जो सामने पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी पे चाइना इंडिया में एकमात्र मम्मी है जो ग्यू मोनेस्ट्री। वेलकम टू ताबो। चाइना का टाइम भी पकड़ेगा, अभी आपको लाइव दिखा देंगे। खोलो यार फिर मैं लेता हूँ। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते, पत्थर मार प्रतियोगिता 37 है। बट जो मेरे फोन में टाइम लाइन हो रखा है वो देखो आप, 1:04 अभी भी आगे भी आ रहे हैं घोड़े। यहाँ ये आया एक और, देखते हैं। सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और यार जहाँ से हम रात में रुके थे, जो कि एक गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस था, कुछ इस तरह का नज़ारा है। भाइयों ने गाड़ी पीछे पार्क कर दी है, और पार्क करने का फ़ायदा ये हुआ है कि अभी हम सारा सामान जो कि हमने नहा धोने के बाद चेंज करने के बाद दोबारा सामान शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं है यार, सिंपल पराठे वराठे या फिर नॉर्मल जो भी मिलेगा वो हम खाएंगे। और देन आज हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की ओर। प्रॉपर प्लेस का नाम मुझे याद नहीं है, बट मैं स्टिल ऐड कर दूंगा दोस्तों से पूछ के। भाई लोग अभी पैकिंग में लगे पड़े हैं तो मुझे पूछना बन रहा नहीं है। बट सीन ऐसा है कि हम आज रात के अंदर काजा पहुंच जाएंगे। बीच में एक दो मोनेस्ट्रीज़ हैं, एक लेक है जो हमें कवर करनी है। देन हमारा जो स्टे होगा आई थिंक काजा के अराउंड होगा। काजा 100 किलोमीटर है तो, बट हम स्ट्रेट काजा नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे घूमते हुए जो कि आसपास या मोनेस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको कवर करते हुए। देन आपको सब दिखाएंगे। सो करते हैं आज के प्यारे से ब्यूटीफुल से व्लॉग की शुरुआत और लेके चलते हैं आपको अगेन। सो गाइस निकल चुके हैं फाइनली सारा सामान पैक करके, ब्रेकफास्ट करके, और अब हम जा रहे हैं एक मॉनेस्ट्री की ओर। सो वहाँ पहुँच के ऑन द वे भी नज़ारे दिखाते हैं आपको, और होप मज़ा आने वाला है। फिर डेढ़ बताइए कुछ आपके बारे में, आज के ट्रिप के बारे में क्या विचार हैं आपके। ज़्यादा ट्रैवल है नहीं, बट हमारे पास जो स्पॉट है वो घूमने के लिए 3-4 स्पॉट है। पहले जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री, रात को स्किप हो गया उनसे क्योंकि हम लेट हो गए थे तो अंधेरा हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं था जाके। तो अभी जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री, वहाँ पे एक मम्मी है, इंडिया में एकमात्र मम्मी है जो ग्यू मोनेस्ट्री में है। और वहाँ पे जो टाइम जोन है वो चेंज हो जाता है जाके, चाइना का टाइम भी पकड़ेगा। अभी आपको लाइव दिखा देंगे, फ़ोन में वहाँ पे अपसेट हो जाता है, टाइम चाइना का भी आएगा और इंडिया का भी आएगा। तो उसके बाद वहाँ से निकल के फिर जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री, और उसके बाद निकलेंगे धनकर लेक जो हिडन जैम है यहाँ का। लोग काफ़ी कम जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे थोड़ी, तो चढ़ने में प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। और उसके बाद वहाँ से निकल के जाएंगे सीधा पिन वैली, तो आज का स्टे वहीं करेंगे। अभी रुकने का कंफर्म नहीं है कि कैंप करेंगे आज या फिर रेस्ट हाउस बुक करना है, एक बार देखते हैं रॉबिन से बात करके शाम को, तो उसके बाद बताते हैं आपको रात का रुकने का क्या सीन है। बाकी अभी दिखाते हैं आपको ग्यू मोनेस्ट्री पहुँच के वहाँ का व्यू कैसा है, ड्रोन उड़ाते हैं वहाँ बढ़िया से, फिर मिलते हैं ग्यू मोनेस्ट्री में। तब तक आप बी रोल देखिए। कुत्ते देखो भारी। यहाँ के कुत्तों की एक और स्टोरी है, यहाँ पे स्पीति में ऐसा है, कैमरा इधर कर लो भाई साहब, यहाँ पे स्पीति में ऐसा है जब विंटर होता है तो काफ़ी लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं, जैसे मनाली के लिए वहाँ रहने चले जाते हैं। तो यहाँ के जो डॉग है, जो आवारा स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता, और अगर कोई इंसान नज़दीक जाए तो उसको भी खा लेते हैं। जा रहा है यार काफ़ी ड्राई, काफ़ी पूरा ऑफ रोड एडवेंचर से भरपूर, और अराउंड 50% कवर अप कर लिया है हमने एरिया। और अभी हम जा रहे हैं ग्यू मोनेस्ट्री की ओर, वहाँ जाके बताएंगे आपको कि भाई कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है वहाँ के। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी ग्यू,
आपको अभी दिखाते हैं यहाँ पे टाइम जोन, फोन में तो चेंज हो चुका है, एक बार पहुँच के दिखा देते हैं आपको। चाइना का टाइम दिखा रहा है फोन में, 12 बजे हैं अभी, एक बार पहुँच के आपको फोन में दिखा देंगे वीडियो बना के। और थोड़ा ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में। तो भाई ऐसा कुछ रोड है, और बता ऐसे रहे कि इस पहाड़ी के ऊपर या पहाड़ी के पार चाइना बॉर्डर लग जाती है, और अगर हम यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आते या फिर कुछ टाइम से आते तो चाइना का फ्लैग भी विजिबल होता है, बट एट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी भी है ऊपर, शायद इसलिए भी नहीं हो पा रहा, बट अर्ली मॉर्निंग में होता है। और जो सुनने में आया है यहाँ पे, जो हमारे फ़ोन भी दिखा रहे हैं, कि यहाँ का जो टाइम जोन है वो इंडिया का भी पकड़ रहा है और चाइना का भी पकड़ रहा है, बट फ़ोन के अंदर अभी जो टाइम दिखा रहा है, जैसे अभी एग्जैक्ट 10:08 हो रखा है, बट फ़ोन के अंदर 12:42 दिखा रहा है, क्योंकि ये टाइम जोन चाइना का पकड़ रहा है। तो गाइस ये मॉनेस्ट्री है, घूम के जा रहे हैं यार, और इस वाली पहाड़ी के ऊपर इंडियन पोस्ट बनी हुई है। फाइनली गयो मॉनेस्ट्री हम आ चुके हैं, ये मॉनेस्ट्री है कुछ हमारे सामने। भाई बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, धूप काफ़ी तेज़ है बट हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। प्लान है हमारे ड्रोन आने का, बट जितना सुनने में आया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि मिलिट्री एरिया है, ITBP इंडियन आर्मी, सो उड़ान देंगे नहीं ड्रोन। और ये देखो यहाँ पे बंकर्स बने हुए हैं यार, आई डोंट नो आपको दिख रहे हैं दिख रहे, बट हाँ इस टॉप के ऊपर कुछ इंडियन आर्मी के बंकर्स हैं, और पहाड़ों के जस्ट पीछे चाइना स्टार्ट हो जाता है, सो कम्प्लीटली बॉर्डर एरिया है। बाकी मॉनेस्ट्री बहुत ही प्यारी है, ये देखो मॉनेस्ट्री, आप एक बार दिखाता हूँ मैं आपको साइड से। और स्पीति आओ मतलब लाहौल हो, स्पीति हो, लद्दाख हो, सबका यही मज़ा है कि जो मॉनेस्ट्री का व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। जो सामने पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी पे चाइना है, चाइना बॉर्डर है। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि जैसा बताया मैंने आपको पहले कि यहाँ पे चाइना का टाइम जोन ही पकड़ता है, सो अभी आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको जो टाइम जोन हो, आई होप दिख रहा होगा आपको, जो घड़ी में न्यू दिल्ली टाइम लाइन है वो 10:37 है, बट जो मेरे फ़ोन में टाइम लाइन हो रखा है वो देखो आप 1:04 हो रखी है। रीज़न बिहाइंड इट कि जो टाइम जोन पकड़ रहा है वो चाइना वाला पकड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहे हैं, बिकॉज जैमर्स भी लगे हुए हैं, पूरा मिलिट्री एरिया है और चाइना इतना नियर बाय है कि फ़ोन के अंदर जो जोन्स आ रहे हैं वो भी चाइना का टाइम पकड़ रहा है। सो बाकी चलते हैं मॉनेस्ट्री के अंदर, और जो अपडेट आई है यहाँ से उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट आई है कि ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते हैं, कम्प्लीटली हाईली सिक्योर्ड मिलिट्री एरिया है। दिस इज़ द गे मोनेस्ट्री जो बताया था मैंने आपको, गे मोनेस्ट्री, और यहीं पर है वो मम्मी जो बताया जा रहा था कि जिसके नाखून और बाल अभी भी बढ़ रहे हैं। सो बस फटाफट चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर और देन आपको दिखाते हैं कि भाई मोनेस्ट्री के अंदर से लुक कैसा है और क्या है मज़ा। बाकी मोनेस्ट्री तो बड़ी प्यारी है यार, फुल ऑफ कलर्स। और फटाफट चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे वो जो मम्मी है जिसकी अपन बात कर रहे थे, और दिखाते हैं आपको वहाँ के भी नज़ारे। सो गाइस जिस मम्मी की अपन बात कर रहे थे जहाँ पे इनके बाल और नाखून बढ़ रहे हैं यहाँ पे है, सो सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई किस रीज़न से क्या ऐसा सीन है। सो गाइस फाइनली आपने पढ़ लिया होगा आगे, और अभी अपन आ चुके हैं डायरेक्ट मम्मी के पास में जहाँ पे जिनके बाल और नाखून अभी स्टिल बढ़ रहे हैं, और एक बार ही देखने लगा रहे हैं अपन। सो गाइस फाइनली जो मम्मी थे वो भी अपन ने आपको दिखा दिए हैं,
मम्मी के बारे में जो पढ़ना है आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। बट अभी सीन ऐसा हुआ है कि अपने जो साथी एक और फेलो ट्रैवलर है हिमांशु भाई, उन्होंने अंदर जाके डोर क्लोज कर दिया और हमने बाहर से इसको चेंज कर दिया क्लोज पे, ताकि जो भी उनकी प्राइवेट मीटिंग चल रही है, जो भी वो प्राइवेट मीटिंग चल रही है उनकी अकॉर्डिंगली उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। बाकी अपने तो फुल कीड़े हैं, अपन एक बार उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। ओ हिमांशु भाई आ गए, इसको ओपन कर देते हैं। हिमांशु भाई हमने क्लोज कर दिया था कि आपकी शायद कुछ कि आपने क्या बातचीत करी है सर? सर बता देंगे, लाइटिंग आ रही थी अंदर तो क्लियर शॉट लेने के लिए मैंने, ताकि बाहर की लाइटिंग शीशे पे ना आए, इसलिए हमने उसका अच्छे से और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए हमने बाहर से ओपन से क्लोज कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, मॉनेस्ट्री का फर्स्ट जो था अपन ने राउंड अप दिखा दिया है आपको। अब अपन मॉनेस्ट्री के ऊपर सेकेंड फ्लोर पे, जो भी उनका रूफ टॉप बोल सकते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं यार। और ऑलमोस्ट इक्वल आ गए हैं, कुछ ये स्टेयर्स हैं। सो दिखाते हैं आपको कि भाई सेकंड फ्लोर से जो नज़ारे आ रहे हैं वो क्या हैं या फिर कैसे हैं। सो गाइस, सेकंड फ्लोर के ऊपर भी कुछ बुद्ध प्रतिमा बनी हुई है और अपन थोड़ा अंदर आ जाते हैं। सो ये कुछ प्रतिमाएं, कलाकारी बहुत ही बेहतरीन है। और इतना ऊपर कुछ नहीं है, जो मेन था जो मॉनेस्ट्री है उसका जो मॉन्क आपने देखे हैं, इसी कारण यहाँ लोग ऑलमोस्ट आ रहे हैं। वैसे बेस ही है, ITBP का कैंप है। सो गाइस फाइनली मॉनेस्ट्री देख ली है यार, जो जो कर सकते थे यहाँ पे, जितना टाइम वेस्ट हो सकता था सारा टाइम वेस्ट कर दिया है हमने। और अब यहाँ से हम ऑल सेट होकर निकल चुके हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। क्या नाम है भाई जगह का, कौन सी लेक है वो? धनकर लेक हम जा रहे हैं अब। वहाँ पे भी मॉनेस्ट्री भी है और धनकर लेक भी है, दोनों दिखाते हैं आपको। और उसके पहले आप एंजॉय करो ये रोड। तो अभी हम निकल गए हैं क्यू मॉनेस्ट्री से और अब जाएंगे सीधा धनकर और धनकर लेक। तो रोड थोड़ा यहाँ ख़राब है, सारी आंटी हमारे पास जगह नहीं है। तो गाइस फाइनली मॉनेस्ट्री का पूरा कंप्लीट देख के शूट आउट करके अब हम निकल चुके हैं यहाँ से और अब हम आगे जा रहे हैं एक लेक की ओर। भाई क्या नाम है लेक का? धनकर लेक की ओर जा रहे हैं। हम ताबू की ओर जा रहे हैं यार और ये हमारा ड्रोन सामने उड़ रहा है, कुछ शॉट्स ले रहे हैं कार के भी, बिकॉज ड्रोन शॉट्स होना बहुत जरूरी है। हाँ सामने ही ड्रोन है अपने भाई, बढ़िया चला। सो गाइस ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं और आप इस वैली को एंजॉय करो आप ड्रोन शॉट्स के साथ। काजा यहाँ से 52 किलोमीटर है, ताबो अभी हम जा रहे हैं 6 किलोमीटर, उसके आगे हम जाएंगे एक लेक की ओर। और भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेदर है यार। सामने जो पीक्स हैं, स्नो पैक है जो कि मेरी हमेशा से फेवरेट रही है और रहेगी। बाकी डेविड भाई हमारे साथ, जाओ हिमांशु भाई कुछ ड्रोन शॉट्स, कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट्स कमेंट में जरूर बताना यार। सो गाइस वेलकम बैक और फाइनली वेलकम टू ताबो।
सामने लिखा हुआ है यार, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है, तिरंगा बना रखा है और जो वेलकम हो रखा है ना, फुल ऑफ गूज़बम्प्स। Welcome to Tabo Briz. Only one vehicle at a time. तभी रुका हुआ बस वाला. Don't worry. जस्टिफाई कर रहा हूँ नजारों को। सो गाइस रोड देख लो यार, रोड है फुल ऑफ एडवेंचर, कम्प्लीटली ऑफ रोड चल रहा है, कभी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और कभी रहे हैं उतर। नीचे जो नदी बह रही है स्पिति नदी, इसकी भी अपनी कहानी है, इसका भी अपना लुक है। और भाई ऊपर जो टॉप पीक्स है वो स्नो पैक हो रखी है। सो गाइस हम आगे जा रहे थे यार, ऊपर से बहुत पत्थर गिर रहे हैं। पीछे भाई साहब गोले तो गया पत्थर, पीछे गोले गया, अभी भी आगे भी आगे भी आ रहे हैं गोले। हां ये आया एक और, मोटे मोटे पत्थर छोटे छोटे आ रहे हैं, निकाल लो यहां से जल्दी। हां भगा लो इधर से, बंदा पर खड़ा हुआ ना इसीलिए खड़ा हुआ, उसको और दिख रहा होगा उधर से ना। नहीं वो भी समझ गया देख के, यहां मोटे पत्थर आए हुए। हां निकाल लो इसको, इस पॉइंट पे भी मोटे पत्थर। ये तो पूरी वैली लेवल लग रही है पत्थरों वाली, दिख रही है ऊपर तक, पूरा स्लोप है। जहाँ पे काफी लोग रुके हुए थे, नाम स्पिति रिवर ही है, बाकी जगह का कोई प्रॉपर नाम है नहीं, बट काफी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं पानी के पास में आके, मजा होता है। कुछ लोग कैंप कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। सो हम भी हमारी गाड़ी लेके यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ऐसा सा नज़ारा है, देखो एक बार। ये कम्प्लीटली स्पिति रिवर बह रही है यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के अपना जो भी होता है उनका कर रखा है, और हमने हमारी गाड़ी यहाँ पार्क करी है। और सही है, ओके वैली है, वैली के अंदर एकदम अच्छा मज़ा आ रहा है। सो गाइस फाइनली स्पॉट पे आ चुके हैं यार, और हर एक स्पॉट पे उसको शूट करने के अपने अपने तरीके होते हैं, और अभी हम जो यहाँ पे शूट कर रहे हैं वो अपना फेवरेट ड्रोन शॉट्स। सो ड्रोन हमारा आगे जा चुका है, नाउ एंजॉय द ड्रोन शॉट्स।
पहले मेल हो गया भाई, क्या कर रहे हो यार आप, पहाड़ी बंदे हो यार। ओहो डेविड भाई ने पूरे गान का जोड़ लगाया। एक दो तीन चार, शिट भाई बच गया। भाई पास ओ भाई साहब, बाटा फुटबॉल नहीं खेलनी इधर। ओ डेविड भाई साहब कितनी बार करवाऊंगा। चलो गाइस, नदी में कुछ खेल चल रहा है पत्थर मारने के लिए, और दोनों बंदे ना पत्थर फेंक पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। देखते हैं, देख लेते हैं भाई साहब, देख लेते हैं, सबूत मांगती दुनिया, देख लेते हैं भाई साहब। डेविड भाई एक, ओ भाई ओ रिकॉर्ड लास्ट है वैसा आपका, यहाँ पे भी नहीं हुआ तो फिर छूट जानी है आपकी रिकॉर्ड में। तीन तो वही आज खेल को समाप्त यहीं कर रहे हैं हम, और इसमें जो जीता है वो मैं जीता हूँ, बट सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इन चीज़ों को, लेकिन जो ऑफलाइन विनर है वो मैं हूँ इस पत्थर मार प्रतियोगिता का। और फिर गेम में हारे हुए बंदे कुछ पत्थरों से दोबारा घर बना रहे हैं कि भाई मैं विनर हूँ यहाँ का, लेकिन विनर तो कैमरा के पीछे है दोस्तों। और ये भी गिरे लग रहा है मुझे, ये भी गिर जाएगा आज एक बार और, गिरना ही चाहिए एक बार और। हिमांशु भाई अपने परीक्षा में फेल होंगे यहाँ पे आज। सो गाइस रिवर साइड फन कंप्लीट हो चुका है और निकल चुके हैं दोबारा यहाँ से हम, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अगेन अ मॉनेस्ट्री। बट वहाँ की जो मॉनेस्ट्री है, जो सुना है उसके बारे में मैंने बताऊंगा, वहाँ पहुँच गई, लेकिन मॉनेस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल थी है। देख रहे होंगे ये एंट्री है यहाँ की, और हम लोग जा रहे हैं डंकर गुंपा। जहाँ तक सुनने में है कि काफ़ी अच्छी मॉनेस्ट्री है, और ये रोड कटता है जो काजागली रोड जाता है उस वाले रोड से राइट साइड को रोड कटेगा, तो आप लोग देखेंगे रोड उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ मतलब आप आराम से एक सिंपल गाड़ी में आ रहे हो अपने आराम से तो आप जा सकते हो। रोड थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का मिक्स है। आपको तो उसके ऊपर ही ऐसे मिट्टी वाले पहाड़ हैं, उन्हीं के ऊपर मॉनेस्ट्री को बनाया गया है। भाई लोग भी शूटिंग कर रहे हैं अभी, आपने कुछ शॉट देखे होंगे भाई की वॉइस के अंदर, सो भाई का शूट ऑफ भी चल रहा है, सो हर एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं बीच के अंदर। हवा बहुत तेज दिख रहा होगा आपको, बाल जितने बच्चे बच्चे वो भी उड़ रहे हैं, बट यार इट्स जस्ट वर्थ इट। महीना अभी जून का है और जून का मिड चल रहा है, आज 13th ऑफ जून है, बट जो सीज़न है वो पीक के ऊपर है यार। काफ़ी बाइकर्स, काफ़ी ट्रैवलर्स, सोलो ट्रैवलर्स, फॉरेनर्स, कुछ साइकिलिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं, और भाई देखने में मज़ा आ रहा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा। हवा बहुत तेज़ है, बहुत ठंडी है, और आप काफ़ी फाइनली डंकर हम पहुंच चुके हैं और मॉनेस्ट्री की ओर जा रहे हैं यहाँ से।
बड़ी माथा पच्ची करके हमें गाड़ी की पार्किंग मिली है और हमने फाइनली गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है। और भाई यहाँ से देखो नज़ारा नीचे का, पूरा ढंकर विलेज, और ये ज़्यादा रास्ता आगे मॉनेस्ट्री की ओर। तो चल पड़ते हैं लेके आपको मॉनेस्ट्री की तरफ और दिखाते हैं कुछ मॉनेस्ट्री के ड्रोन शॉट्स अगर परमिशन मिली उड़ाने की तो।